सिरमौर जिले के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के विधिवत आरंभ की तस्वीरें सामने आई। शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, कहा प्रदेश की सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य कर रखी है और नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। भाजपा की सरकार ने चुनावी समय में जो धड़ाधड़ संस्थान खोले थे उन्हें बंद किया गया है ताकि गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था कायम हो सके। साथ ही पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर चुटकी लेते हुए कहा, जयराम ठाकुर समोसे को लेकर उत्सुक हैं, शायद जयराम ठाकुर इसकी दुकान ही ना खोले। 1500 रुपया भी देंगे किस समोसे को खा रहे, कुछ दिनों बाद उस समोसे की दुकान ना खोलने और कहेंगे हम समोसे ही खिलाने लायक रहे। पर एक बात कहना चाहता हूं मैं, पिछली भारतीय जनता पार्टी ने आपकी संपदा को लुटाया है, हम आपकी संपदा के संरक्षण में बैठे हैं। दावे के साथ कह सकता हूं 1500 रुपया भी देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों का जो अंशदान है, मैं सांसद सुरेश कश्यप जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो उसमें हमारे भी 4,450 करोड़ रुपया है और सरकारी कर्मचारियों के अंशदान के लिए जिनके ओल्ड पेंशन स्कीम दी है उनके भी ईपीएफ के रूप में जो 12% करता था वो आपके पास 9,000 करोड़ रुपया है। वो तो हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों का पैसा है, हमारा पैसा है, हमें वापस कीजिए। तो ये आप लोकसभा में उठाएंगे क्योंकि अंशदान है, क्यों उस पर कुंडली बैठ में बैठा कर बैठे हैं, इन लोगों को दे दीजिए।